मार्केट से तकिया आते हैं। हेलो नमस्ते जी, सभी को कैसे हैं सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। जो मैंने एक टोकरी बनाई थी DIY, जिसमें कि फ्री में बनी है, कुछ भी खर्च नहीं हुआ, उसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिलो कवर। जैसे हम देखते हैं कि बाज़ार से हम जो चादरें लेके आते हैं उनके पिलो कवर कितने अच्छे होते हैं, हम कभी कभी ऐसी चादरें भी ले आते हैं जिनके साथ पिलो कवर नहीं आते, और अगर हम घर में बनाते तो वो वैसे नहीं बनते हैं कि जैसे बाज़ार वाली चादरों के साथ पिलो कवर आते हैं। तो आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपका पिलो कवर बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा बाज़ार से आता है। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट से इस तरह के आते हैं, उनमें इस तरह ये इस तरह बना हुआ होता है। तो मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से बना के दिखाऊंगी। जैसे कि अभी मैंने चढ़ा रखा है अपने पिलो पे, देखो जो मैं बनाऊंगी उसका लुक बिल्कुल ऐसा आएगा। और ये बल्कि ये थोड़ा सा बड़ा ही है पिलो के अकॉर्डिंग, जैसा पिलो है, लेकिन ये जो इस तरह की फिनिश आती है ना, ये इस तरह बाजार वालों में, तो मैं बिल्कुल आपको इसी तरह का बना के दिखाऊंगी। अगर आपको नीड है और ज़रूरत है बनाने की तो आप बिल्कुल उस तरह बना सकते हैं, तो आपका कवर बिल्कुल ऐसा बनेगा। और मैं बनाने के बाद इसमें आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और मैं चादर के साथ का नहीं बना रही, मेरे पास एक कपड़ा रखा है बचा हुआ, उसी से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारे पास जो तकिया है हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस तकिए की जो चौड़ाई है ना वो 15 इंच है, 15 इंच आपके तकिए की जो भी हो आप उस हिसाब से ले लें, 15 इंच है। इसकी लंबाई है, अभी मैं आपको बताती हूँ, लंबाई है इसकी 25 इंच, तो चौड़ाई 15 और लंबाई 25। तो अब मैंने ये एक कपड़ा जो मेरे पास है डबल फोल्ड करके रख लिया है, और इस किनारे से मैं इससे मेजर करूँगी। तो मुझे टोटल कितनी लेंथ चाहिए, 15 तो मेरे तकिए की हो गई है और 2-2 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा चाहिए। तो पहले मैं सबसे पहले मैं 15 का निशान लगा लूँगी, ठीक है। अब 2 इंच तो मुझे इधर एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, और 2 इंच इधर एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं इधर 2 इंच का निशान लगाऊँगी, ऊपर की साइड 2 इंच का निशान लगा दूँगी। एक देखो ये 2 इंच पर लगा दिया, यहाँ से फिर मैं 15 इंच पर एक निशान लगाऊँगी, ये 15 इंच पर लग गया है। अब इसके बाद मैं 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा का लगाऊंगी निशान, तो ये 16 और 17 2 इंच एक्स्ट्रा हो गए, तो ये हो गया है मेरा, ये टोटल मेरा 19 इंच कपड़ा हो गया है। 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे और 15 इंच बीच में तकिए का, जो हमारा तकिए की चौड़ाई है, ठीक है। ये इतना आप मेजर अच्छे से कर लें। अब लेनी है हमें लंबाई, तो लंबाई में हम क्या करेंगे, 25 तो हमारा है तो 2 इंच हम पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ देंगे उधर, उस 2 इंच के बाद हम 25 इंच नापेंगे, 25 पर निशान लगा लेंगे, और 25 के बाद इधर 2 इंच और हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो जैसे वहाँ से ये यहाँ तक हो गया है 25 इंच, ये 25 हो गया, और ये 1-2 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारा ये टोटल हो गया है 29 इंच, 2 इंच उधर एक्स्ट्रा, 2 इंच इधर एक्स्ट्रा, और 25 हमारा लेंथ। ऐसे ही अब मैं इधर भी 19 पे लगा दूंगी, बीच बीच में सब जगह निशान लगा दूंगी 19 इंच का, ठीक है। तो जिससे ना कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसा ना हो, इक्वल सिलाई आए, और इसको आपस में मिला लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। और मैं एक ही साथ काट रही हूँ कपड़ा, मैं अलग अलग नहीं काटा है, कि वरना तो एक पोर्शन अलग और एक ये हमारा ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, या नीचे का मान लीजिए आप, इसको नीचे का ही होता है, ये छोटे वाला नीचे का कटता है, और जो हमारा फ्रंट पोर्शन है इसके नीचे जो कपड़ा बिछा हुआ है, तो देखो इस ये तो नीचे का हो गया, और वो ऊपर वाला हम इससे 6 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, 4 इंच तो वो अंदर दबेगा और 2 इंच जो किनारे में छूटेगा वो। तो हम इस तरह देखो ये हमने काट लिया है, 4 इंच हम उसको वो 6 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इस कपड़े को ऊपर वाले कपड़े से। तो सब जगह 6 इंच का निशान लगाते हुए मैंने इसको कट कर लिया,
ये देखो अब मैं इसको कट कर लूँगी और इसे भी आपस में मिला दूँगी जो लाइन है ये। अभी आपको मैं भी दिखा देती हूँ, ये वाला हमारा बैठ रहा है 29 इंच का, ठीक है। जो हमारा एक पोर्शन है जो नीचे की साइड आएगा ट्वेंटी नाइन इंच है ये, ठीक है। और जो हमारा वो दूसरे वाला पोर्शन है वो बैठ रहा है हमारा 35 के आसपास, 35 ही है। अब इसको मैं ऐसे कट कर दूंगी और इसे भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल दूंगी अलग, और ये जो हमारा बस पिलो जो बचेगा इसको ही हमें रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा फिर अंदर ही दबाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको निकाल दूंगी। और ये एक ही कपड़ा है पूरा, आपको इसमें कोई अलग अलग नहीं करना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ही पीस है पूरा, बस रखने का तरीका है इससे ही इस तरह का पिलो कवर बन जाएगा जैसा ये है, ठीक है। अलग अलग टुकड़े काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक पीस ऐसे लंबाई में आप काट लें अपने तकिए को रख के और इसे दोनों तरफ से इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह, ठीक है। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे देखो ये सिलाई लगा के मैंने इसको बिछा लिया है ऐसे मोड़ के, ये मैंने उल्टा बिछाया है तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा छोटे वाला पीस है ये मैंने इस तरफ ऊपर रखा है क्योंकि अभी हम इसको सीधा करेंगे तो ये अंदर की साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला था ये इसके ऊपर हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ये हमें 6 इंच का था ना, तो जहाँ तक 6 इंच हमारा आएगा वहाँ तक हमें फोल्ड करना है बस इसको, ठीक है। जो लंबे वाला पीस है वो नीचे रखना है, जो ये छोटा 6 इंच वाला है इसे ऊपर रखना है तकिए के। तो इस तरह आप इसको फोल्ड कर लें और इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, देखो 6 इंच है, मैंने आपको नाप के भी दिखा दिया है। और अभी मैं आपको ये नीचे रखना है और ये इसके ऊपर रखना है। अभी मैं इसे तकिए से भी आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि ये तकिए के ही साइज़ का बन रहा है, और ऐसा ऊपर नीचे रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। देखो मैं अभी तकिए से दिखाती हूँ आपको नाप के कि आप ये देखो, ठीक है, ये बिल्कुल इसके इक्वल बनेगा जैसा ये है, लेकिन मैं बीच का जो बिल्कुल इसका पोर्शन है वो अपने तकिए के अकॉर्डिंग बनाऊंगी फिटेड एकदम, ये थोड़ा लूज है। तो ऐसे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा आप पिन लगा सकते हैं जिससे ये इधर उधर ना भागे। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक तरफ से ज़्यादा सिल गया एक तरफ से कम सिला है, तो आप इस तरह अगर आपके पास पिन है या सेफ्टी पिन है, और अगर नहीं है तो आप सुई में धागा डाल के थोड़ा कच्चा कर सकते हैं इसको, उससे भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। मेरे यहाँ पिन है क्योंकि पायल काम करती है तो इसलिए, वरना मेरे पास तो कभी नहीं रही पिन। और ये मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी दोबारा से, ठीक है, फिर आपको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह दोनों तरफ मतलब दोनों साइड सिलाई लगेगी इसमें तीनों को पकड़ते हुए इस तरह, और ज़्यादा मोटी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की बारीक बारीक सी लगा लेना, कहीं नहीं जाने वाला ये बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो आपको इसी तरह इसमें सिलाई लगानी है। देखो इसमें सिलाई लग गई है, और मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आप इसे इस तरह इसके ये जो कोने हैं ना, किसी नुकीली चीज़ की मदद से भी निकाल सकते हैं, अगर शार्प नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा कोई कैंची वगैरह लेके अच्छे से निकाल लें तो ये हो जाते हैं शार्प।
और अच्छे से इसको फिनिश करके आप देखो, ये बिल्कुल इसने तकिए का मतलब ये तकिया आपका बन के तैयार हो गया। बस इसमें थोड़ी सी फिनिश की ज़रूरत है। अब मैं आपको देखो बिल्कुल मेजर करके दिखाती हूँ कि ये इसी के नाप का बना है, देखो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पे ये जो किनारी बनी हुई है ये हमें कैसे बनानी है। अभी हम इस पे क्या करेंगे, दो दो इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमें 2 इंच का ये यहाँ पे, फिर लाइन चारों तरफ दो दो इंच मार्क करके और लाइन से एकदम ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे फिटे से 2 इंच छोड़ा, निशान लगा लिया और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, तो इससे ना इक्वल लाइन आएगी बिल्कुल। देखो चारों तरफ मैंने इस लाइन पे आपको सिलाई चलानी है, मशीन चलानी है, तो आप इस तरह रख के इस पे एकदम सीधी सीधी बस एक ही बार सिलाई चला दें पूरी पे। और देखो ये कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें पिलो कवर रख के दिखाती हूँ कि कैसा फिनिश आता है। और ये मैंने बिल्कुल फिटेड बनाया है क्योंकि जो मेरा येलो वाला तकिए का कवर पड़ा है ये थोड़ा लूज है क्योंकि मार्केट से स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, और ये मैंने खुद बनाया, तो यानी मैंने बिल्कुल नाप लेके फिट बनाया है इसके। अब देखो बनाना बिल्कुल बाजार जैसा। आप भी बनाइए। लीजिए जी, बन के तैयार है तकिए का कवर। देखो कितना प्यारा बना है, एकदम फिट बना है, फिट। और अगर आपका तकिया छोटा या बड़ा है इससे, तो आप इस सिलाई को ना जो हमने सिलाई लगाई है, अगर आपका पिलो इससे बड़ा है जो हमारा पिलो है, तो आप इससे सिलाई को थोड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं बाहर की साइड। और ऐसे ही अगर आपका तकिया छोटा है थोड़ा, तो अंदर की साइड सिलाई लगा दीजिए, तो अंदर का बेस थोड़ा छोटा हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो बाहर की तरफ लगा ले तो बेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही लंबाई का है। और ये देखो जैसे मार्केट वालों में आता है ना कि ये कपड़ा अंदर को रहता है और ये इसके ऊपर, ऐसा ही बिल्कुल ये बन के तैयार हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक ही पूरा कपड़ा है, कोई हमने फ्रंट पीस और बैक पीस अलग अलग नहीं काटे हैं इसके, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही जैसा कपड़ा है पूरा। और ये देखो ये मार्केट वाला है, देखो जैसे ये थोड़ा लूज ही है हमारे पिलो के अकॉर्डिंग, जो हमारे पिलो हैं मार्केट वाले तो एक स्टैंडर्ड साइज देते हैं कि भाई सबके यहाँ एक जैसे तो पिलो होते नहीं है, तो ये भी देखो ये मार्केट का है। अगर हम इसको बिल्कुल फिटेड कर देते हैं तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, और मैंने बिल्कुल फिटेड बनाया है ये। और अगर मैं कोई चादर लेके आऊंगी तो उसके मैचिंग भी बनाऊंगी। अभी तो मेरे पास कोई चादर है नहीं ऐसी जिसके साथ पिलो ना हो। ये तो एक कपड़ा रखा था जो मैंने बास्केट बनाई है अभी, तो उसी का बचा हुआ एक कपड़ा था, मैंने सोचा चलो एक पिलो कवर बना के दिखाती हूँ आप सबको। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।